तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं SDN के बारे में। सो बेसिकली फर्स्ट क्लियर कर लेते हैं SDN। SDN क्या होता है? इसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क। बेसिकली SDN में हमें थ्री पार्ट मिलते हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। फर्स्ट हमें बात करनी है कि हमारी जो ट्रेडिशनल राउटिंग थी ट्रेडिशनल राउटिंग में लिमिटेशन क्या क्या गई थी। बेसिकली हमें लिमिटेशन के बारे में बात करनी है। सपोज कर लेते हैं एक नेटवर्क डायग्राम डिजाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, R1 है, R2 है, बोथ डिवाइसेस कनेक्टेड वाया ISP, R1, R2, यहाँ आ रहा है डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के स्विचेस लगे हुए हैं, यहाँ पे मल्टी लेयर स्विचेस कनेक्टेड है वो रेडिडेंट लिंक से, राउटर वन कनेक्टेड है स्विच वन से, राउटर टू कनेक्टेड है स्विच टू से, देन हमारी डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के स्विचेस कनेक्टिविटी दे रहे हैं हमारे एक्सेस लेयर के स्विचेस को, स्विच वन स्विच टू बोथ कनेक्टेड वाया दिस वन। इन एक्सेस लेयर के स्विचेस पे हमारे जो है कुछ यूजर्स हैं, यहाँ पे हमारे कुछ सर्वर लगे हुए हैं, यहाँ पे हमने VM भी डिप्लॉय कर रखा है, VM सर्वर्स भी लगे हुए हैं। इन VM सर्वर्स पे हमने कुछ एप्लीकेशन डिप्लॉय कर रखी है, एप्लीकेशन चल रही है। बेसिकली इन स्विचेस से कुछ हमारे एक्सेस पॉइंट भी कनेक्टेड है, देन हमारे पास यहाँ पर एक साइट है, दिस वन इज दिल्ली साइट। यहाँ पे दिल्ली साइट है, यहाँ पे एक राउटर लगा हुआ है, स्विच है, कुछ यूजर्स कनेक्टेड है साइट पे, क्लियर है। एक और साइट है हमारे यहाँ पे, यहाँ पे भी एक राउटर है, स्विच है, कुछ यूजर्स कनेक्टेड है। बेसिकली ये साइट है हमारी नोएडा ब्रांच, बोल सकते हैं इसे नोएडा साइट है हमारी। बेसिकली क्या होता है ट्रेडिशनल राउटिंग में, सपोज कर लेते हैं फर्स्ट डिवाइड कर लेते हैं, ये जो हमारे स्विचेस लगे हुए हैं ये हमारे एक्सेस लेयर पे डिवाइस लगे हुए हैं। एक्सेस लेयर पे कौन से डिवाइसेस होते हैं, सारे के सारे एंड डिवाइसेस, और ये हमारे लेयर टू स्विचेस हैं, ये वाले भी लेयर टू स्विचेस हैं। देन हम बात करते हैं इस लेयर पे, इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विचेस। बेसिकली यहाँ पे मैं मल्टी लेयर स्विचेस को यूज कर रहा हूँ, मल्टी लेयर स्विचेस, ये मेरे AP एक्सेस पॉइंट्स लगे हुए हैं कुछ। देन हमारे पास आते हैं राउटर्स, ये हमारे कोर लेयर स्विचेस, कोर लेयर डिवाइसेस यू कैन से, राउटर्स लगे हुए हमारे पास, ये हमारे लेयर थ्री डिवाइस है, ये भी लेयर थ्री डिवाइस है, देन ISP कनेक्टिविटी। अब बेसिकली क्या होता है, सपोज कर लेते हैं दिल्ली साइट्स के यूजर को कुछ एप्लीकेशंस यूज करने हैं आपके साइट पे। ये साइट हमारी कहाँ पर है, ये हमारी गुड़गांव साइट है। अब दिल्ली यूजर्स के लैन यूजर का ट्रैफिक पहले अपने राउटर पे आएगा, देन राउटर से ISP, देन ISP टू राउटर वन, देन राउटर वन टू मल्टी लेयर स्विच, देन मल्टी लेयर स्विच टू एक्सेस लेयर, ऐसे आएगा। फिर इन यूजर के पास भी जा सकता है, अगर इसको कोई एप्लीकेशन यूज करनी है राउटर टू, देन इधर यहाँ पर आएगा, देन हमारे
वीएम पे। अब वीएम पे हमने मल्टीपल एप्लीकेशंस को डिप्लॉय कर दिया। अभी दिल्ली साइट्स हमारे वीएम्स पे जो एप्लीकेशन है वो एक्सेस कर सकती है, नोएडा साइट्स भी ये भी वीएम पे आके एक्सेस कर सकती है वेबसाइट्स को। अब बेसिकली क्या होता है, इस डायग्राम में हम कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम करते हैं पहले लैन में, लैन में हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन होती है, हम पहले कर सकते हैं एक्सेस पोर्ट बनाते हैं हम, जहाँ पे एन डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं, वी लैन बनाते हैं, ट्रंक पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन होती है, ट्रंक पोर्ट के बाद हम कॉन्फ़िगर करते हैं वी टी पी भी होता है, क्लियर है। देन हम चलाते हैं यहाँ पे एस टी पी फुल लूप प्रिवेंशन, आर एस टी पी होता है फास्ट कन्वर्जेंस, क्लियर है। देन हम बात कर लेते हैं यहाँ पे नीचे लाइन में हमारे पास जो एक्सेस पोर्ट्स होते हैं उनको फास्ट कन्वर्जेंस के लिए पोर्ट फास्ट फीचर प्लस बीपीडी गार्ड फीचर फॉर प्रोटेक्शन, ये वाले फीचर्स चलाते हैं। देन हम बात करते हैं हम अब लैन स्विचेस पे जो जो ये प्रोसेस करके आए, देन हम जाते हैं अपने मल्टी लेयर स्विचेस पे, वहां पर हम क्या करते हैं, वहां पे कौन सी कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। मल्टी लेयर स्विचेस पे आप जो चला रहे हैं ये भी हमारे लैन में ही कनेक्टेड है, ये हमारे लेयर टू स्विच की कॉन्फ़िगरेशन है, ये मल्टी लेयर स्विच। मल्टी लेयर स्विचेस पे आप बेसिकली पहले क्या चलाओगे, एस टी पी का फुल लूप प्रिवेंशन, देन हम बात करते हैं वी लैन कॉन्फ़िगरेशन, देन हमारे पास कुछ एक्सेस पोर्ट भी होते हैं यहाँ पे अगर कुछ ए पी लगे हुए हैं मल्टी लेयर स्विचेस से, देन हमारे पास एक्सेस पॉइंट के बाद आता है ईथर चैनल कॉन्फ़िगरेशन टू बंडल मल्टीपल फिजिकल लिंक्स, देन हम बात करते हैं इनके बाद हमारे पास आता है कुछ ट्रंक लिंक्स, देन हमारे पास आते हैं इंटर वीलैन राउटिंग कॉन्सेप्ट, राउटिंग इंजन भी स्टार्ट होता है इन मल्टी लेयर स्विचेस पे राउटिंग टेबल मेंटेन करने के लिए, कुछ राउटिंग प्रोटोकॉल्स भी यूज कर सकते हो आप, क्लियर है। देन हमारे पास तो ये हमारे मल्टी लेयर लेयर टू की बात हो गई। अब हमारे पास आते हैं लेयर थ्री राउटर्स। लेयर थ्री राउटर्स पे बेसिकली कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन आप लोग करते हो। बेसिकली ट्रेडिशनल राउटिंग में पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे, देन हम बात करते हैं लेयर थ्री। लेयर थ्री राउटर पे सबसे पहले आप क्या इनेबल करते हो, राउटिंग, देन आप क्या इनेबल कर सकते हो, यहाँ पे एसी लगा रखी होती है फिल्ट्रेशन के लिए, नेट फीचर यूज़ कर रहे होते, देन आप यहाँ पर यूज़ कर रहे होते कुछ आप बी जी पी प्रोटोकॉल भी यूज़ करते हो, एम पी एल एस भी प्रोटोकॉल होता है, वी आर एफ भी यूज़ कर सकते हो, देन आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे वन मोर फीचर, आप पॉलिसी लगा सकते हो, पॉलिसी बेस राउटिंग भी कर सकते हो यहाँ पे, देन आप यहाँ पर क्या करते हो एक और फीचर यूज करते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर होता है क्वालिटी ऑफ सर्विस भी डिप्लॉय करते हो, क्लियर है। अब बेसिकली क्या है कि दिल्ली साइट और नोएडा साइट के यूजर्स आपके इजीली एक्सेस कर सकते हैं जितनी भी एप्लीकेशन है गुड़गांव साइट्स के हेड ऑफिस में वीएम पे। अब क्या होता है कि एक साइट अगर एक साइट और इनेबल हो जाए आपके पास, देन क्या होगा, ट्रेडिशनल राउटिंग में क्या करना पड़ेगा, बेसिकली सपोज कर लेते हैं कि मेरे पास एक साइट और इनेबल हो गई है, तो मुझे एक साइट इनेबल करनी है, तो मैं यहाँ पे एक साइट बना लेता हूँ यहाँ पे, क्लियर है। अब ये साइट इनेबल कर रहे हैं तो यहाँ पे एक राउटर होगा, राउटर से स्विच होगा कनेक्टेड, एंड देन स्विच से मल्टीपल डिवाइसेस और मल्टीपल यूजर्स कनेक्टेड होंगे यहाँ पे। अब ट्रेडिशनल राउटिंग में क्या होता था, सबसे पहले मोस्ट जो इम्पोर्टेंट इशू आया कि सपोज कर लेते हैं एक साइट इनेबल हुई है, ये वाली साइट दिख रही है आपको, ये दिल्ली की साइट नहीं है, एक नोएडा दिल्ली गुड़गांव बना रखी हमने ऑलरेडी पहले, तो सपोज कर लेते हैं ये बैंगलोर साइट्स को हम कनेक्ट करना चाह रहे हैं अपनी, किसको, बैंगलोर साइट्स को। अब बैंगलोर साइट्स के जितने भी यूजर थे सभी जो है आपके वीएम पे डिप्लॉय हुए हुए एप्लीकेशंस को क्या करना चाहते थे, एक्सेस करना चाहते थे, ये सभी वीएम पे डिप्लॉय जो हुए। अब जो इनके राउटर्स है बैंगलोर साइट का जो राउटर्स है वो किससे कनेक्टेड होंगे, आईएसपी से, और ये पहले आपके आईएसपी से कनेक्टिविटी लेंगे, देन आपके R1 R2 को डेटा ट्रैफिक फॉरवर्ड करेंगे, ये सर नो। अब क्या होता है बेसिकली जैसे ही आपकी बैंगलोर साइट इनेबल होती है सबसे पहले आपको चेंजेस किस पे करने पड़ेंगे जाके, सबसे पहले अपने राउटर लेयर थ्री डिवाइस पे जाके आपको अपनी राउटिंग में उसके लिए एक पाथ देना पड़ेगा, देन आपको कुछ पॉलिसी एसीएल लगानी पड़ेगी, नेट फीचर पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि जब भी आपके बैंगलोर साइट्स का ट्रैफिक आएगा यानी पब्लिक आईपी से आएगा ट्रैफिक,
देन वेन एवर ट्रैफिक गो टू अ लैन साइड, जब भी लैन साइड जाएगा तो मैं उसको प्राइवेट में कन्वर्जेशन कराऊंगा, और प्राइवेट में सेपरेट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं एस नेट भी परफॉर्म कर सकता हूँ, डी नेट परफॉर्म कर सकता हूँ, वन टू वन मैपिंग भी करा सकता हूँ कि भाई जब भी मेरे वीएम पे, जब भी वीएम पे कोई डेटा ट्रैफिक जाएगा अब वैन साइड वाला, तो भाई वो प्राइवेट नेटवर्क से जाएगा और स्पेसिफिक सोर्स से जाएगा, यस और नो? तो ऐसा भी कर सकते हैं। देन हम बात करते हैं एक नेट के बाद बीजीपी रूल, बीजीपी के लिए भी हमें करने पड़ेंगे कुछ पाथ एट्रीब्यूट्स पे काम कर लेंगे। यहाँ पे बीजीपी में नेबरशिप बनाएंगे बैंगलोर साइट के साथ, MPLS, अब फास्ट प्रोसेसिंग करना है, पैकेट को फास्ट फॉरवर्ड करना है, देन हम यूज कर सकते हैं कुछ लेबल्स, VRF। VRF क्या होता है? अब बेसिकली क्या है, राउटर एक ग्लोबल राउटिंग टेबल मेंटेन करता है विद द हेल्प ऑफ VRF। VRF की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल राउटिंग टेबल बना सकते हो। अभी आपने एक राउटिंग टेबल बना रखी थी सेपरेट दिल्ली साइट के लिए, नोएडा साइट के लिए, अब मुझे एक VRF में क्या बनानी है, एक और बैंगलोर साइट के लिए, तो देन VRF में जाना है। देन हमें अगर कोई पॉलिसी करनी है स्पेसिफिक, यानी बैंगलोर साइट के यूजर से VM1 पे ही जो डिप्लॉय हुई है एप्लीकेशन एक्सेस करेंगे, VM2 पे कभी यूज नहीं करेंगे, तो कुछ पॉलिसी लगा सकते हो। अ क्वालिटी ऑफ सर्विस पे भी कर सकते हो अगर आपको डिप्लॉय कर रखी है। देन आप जाओगे राउटिंग डिवाइसेस कंप्लीट होने वाले लेयर 3 वाले कोर लेयर के बाद। अब कोर लेयर जब कंप्लीट हो जाएगी साइट ऐड होने के बाद, देन आपको आना पड़ेगा मल्टी लेयर स्विच पे। मल्टी लेयर स्विच पे जाने के बाद आपको बताना पड़ेगा किस VLAN का ट्रैफिक आ रहा है, ये सुनो, किस पोर्ट पे आ रहा है उसके बारे में, ईथर चैनल में कोई चेंजेस नहीं करने होते, ट्रंक लिंक पे आपको उस VLAN को अलाउड करना है अगर वो डिसअलाउड है, इंटर VLAN राउटिंग में अगर उसके लिए स्पेसिफिक बना रहे हैं इंटरफेस तो बनाना पड़ेगा, राउटिंग में कोई प्रोसेस नहीं करना, राउटिंग प्रोटोकॉल कोई पाथ दे रखा है वहां पे, अगर यहाँ पे आपने नेट ऑलरेडी डन कर दिया, नेट प्रोसेस फीचर को आपने कन्फिगर कर दिया, देन आप राउटिंग में सिर्फ उसको एक पाथ देंगे। देन आप जाएंगे लेयर टू डिवाइस पे जैसे जाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, देन अगेन आपको VLAN स्पेसिफिक करनी है, VLAN बतानी है बैंगलोर साइट्स के लिए कौन सी बनाई है, ट्रंक पोर्ट पे अलाउड करना है, अगर VTP है तो सेंट्रलाइज सर्वर, यानी इन 4 स्विचेस में एक सेंट्रलाइज सर्वर होगा और एक क्या बाकी सब क्या होंगे क्लाइंट्स, तो सेंट्रलाइज सर्वर से आप बना सकते हो VLAN और पुश कर सकते हो बाकी सभी क्लाइंट्स पे। देन आपको पोर्ट फाज में कोई चेंजेस नहीं करना, STP में कोई चेंजेस नहीं करना, बट जैसी एक साइट इनेबल होती है तो ये सारे प्रोसेस होते हैं। कौन कौन से, पहले आपको Layer 3 डिवाइस पे जाके कॉन्फिगर करना है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे करना है, फिर आपको Layer 2 डिवाइस को इन्फॉर्म करना है। तो ट्रेडिशनल राउटिंग में क्या होता था, बेसिकली ट्रेडिशनल राउटिंग में इश्यूज आते हैं आपके पास, कौन कौन से इशू आ रहे हैं ट्रेडिशनल राउटिंग में, जो फर्स्ट इशू आता है यहाँ पे लिख देता हूँ, एक सेकेंड रुकिए, बेसिकली हम एक साइट को इनेबल करे तो बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन करने के, बेसिकली ट्रेडिशनल राउटिंग में हमें इश्यूज क्या होता है बात कर लेते हैं। बेसिकली हमारे पास जो इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेज होते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए कौन कौन से इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेज हैं, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ किसके बारे में बात करें आप लोग, इंटरनेटवर्किंग डिवाइसेस। ट्रेडिशनल राउटिंग में हम जो इंटरनेटवर्किंग डिवाइसेस यूज करते थे, सबसे पहले होता था हमारे पास राउटर, देन हमारे पास स्विच, देन हमारे पास एक और स्विच होता था, दैट मींस अ मल्टी लेयर स्विच। हमारे पास कौन सा होता था, मल्टी लेयर स्विच, देन हमारे पास एक फायरवॉल्स भी है, देन हम यूज करते थे कुछ एक्सेस पॉइंट भी यूज कर लेते थे, यस और नो? बेसिकली इन सभी डिवाइसेस को पहले आपको क्या करना पड़ता था, अपने एक फिजिकल डिवाइस, इस फिजिकल डिवाइस यानी अपने PC या लैपटॉप से लेके आपको पहले इसका डिवाइस का नेम, डिवाइस नेम, डेट एंड टाइम, IP एड्रेस, ये सब कॉन्फिगर करते थे। यानी बेसिकली आपको सभी डिवाइसेस पे सेपरेटली जाके उनके सभी के डिवाइस नेम देने, ये सुनो मैनुअली। बेसिक क्या होता है कि जब भी आप इंटरनेटवर्किंग डिवाइसेस को यूज करते हो तो उन सभी डिवाइसेस पे 3 प्लेन्स को आप वर्क करते हो। पहला होता है कंट्रोल प्लेन, देन आपके पास आता है डेटा प्लेन, देन आपके पास आता है मैनेजमेंट प्लेन। अब बेसिकली मैनेजमेंट प्लेन का मतलब क्या होता है, बेसिकली मेरे को क्या करना है, सिस्को डिवाइसेस यानी इंटरनेटवर्किंग डिवाइसेस, सिस्को के भी हो सकते हैं, HP, नोकिया, जूनिपर, हवाई, अल्काटेल, किसी के भी, अपने PC या लैपटॉप को कंसोल पोर्ट से कनेक्ट करना है इस फिजिकल डिवाइस की,
इस फिजिकल डिवाइस के कंसोल पोर्ट से और अपने पीसी पे जाके एक पुट्टी एप्लीकेशन को ओपन करना है। देन मैं उस डिवाइस का नेम, आईपी, किसी प्रोटोकॉल को इनेबल करना है, पॉलिसी लगानी है, कोई राउटिंग प्रोटोकॉल इनेबल, सब कर सकता हूँ। बेसिकली जब मैं ये प्रोसेस कर रहा होता हूँ तो मैं कौन सा प्लेन यूज कर रहा होता हूँ? मैनेजमेंट प्लेन। ये सुनो, अब जब डिवाइस टू डिवाइस मैनेज होने के बाद डिवाइस, इस राउटर को मैंने अपने डोमेन में कनेक्ट करा, राउटर वन को कनेक्ट कर दिया मैंने राउटर नंबर टू से, तो दोनों सेम नेटवर्क में बैठे थे। सपोज कर लेते हैं 12.0.0.0/30। अब /30 ले लिया है क्योंकि दो आईपी की रिक्वायरमेंट है, 1 and then 2। मैनेजमेंट प्लेन का वर्क हो गया, मेरा डिवाइस रेडी है, कॉन्फ़िगरेशन सारी डन हो गई। देन अब मुझे इसको किसमें लगाना है? अपने डोमेन में। जैसे ही डोमेन में अपने R2 को लगाऊंगा R1 के साथ, देन वो क्या करेंगे, अब एक मैंने यहाँ पे राउटिंग प्रोटोकॉल को इनेबल कर रखा है, EIGRP, OSPF, RIP, BGP, कोई भी प्रोटोकॉल। तो ये क्या करते हैं, सबसे पहले कीप अलाइव मैसेज भेजते हैं, देन कीप अलाइव के बाद कुछ अपडेट प्रोसेस को एक्सचेंज कराते हैं। अपडेट प्रोसेस मीन्स प्रीफिक्स भेजते हैं, कुछ पाथ एट्रीब्यूट्स होते हैं, कुछ पैरामीटर्स देते हैं, तो उन सभी को एक्सचेंज करने के लिए कौन से प्लेन को यूज करते हैं? वो आपके कंट्रोल प्लेन को। इसको कंट्रोल प्लेन को। अब R1 एक लैन में स्विच से कनेक्टेड था और स्विच पे एक यूजर था। अब इस यूजर को R2 के साइड पे कनेक्टेड स्विच पे एक सर्वर है, यहाँ पे एक सर्वर है, इस सर्वर तक डेटा ट्रैफिक को क्या करना है? फॉरवर्ड। यानी सपोज कर लेते हैं 10.2 इसकी आईपी है और 20.10 इसकी आईपी, तो 10.2 के यूजर्स को कुछ ट्रैफिक भेजना है यहाँ पे सर्वर पे। जब भी ये अपना एक्चुअल ट्रैफिक या कोई फाइल अपलोड करनी है, डाउनलोड करनी है, जब भी एक्चुअल ट्रैफिक भेजेंगे अपने राउटर पे, राउटर सबसे पहले चेक करेगा अपनी राउटिंग टेबल। क्या चेक करेगा? राउटिंग टेबल। अब राउटिंग टेबल में पाथ वेरीफाई करेगा डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन अगर पाथ मिल गया है देन मूव कर देगा ट्रैफिक को R2 की तरफ। अब बेसिकली इस राउटिंग टेबल को मेंटेन करने के लिए, इस राउटिंग टेबल को मेंटेन करने के लिए उसने डेस्टिनेशन नेटवर्क की एंट्री देखी अपने पास, वो किससे आई थी? आपके राउटिंग प्रोटोकॉल से। राउटिंग टेबल में रूट इंफॉर्मेशन मिल गई, अब उसे नेक्स्ट इंटरफेस पे भेजना है यानी R2 पे। तो राउटर क्या करता है यहाँ पे, कुछ टेबल्स को वेरीफाई करता है। बात करेंगे हम RIB और FIB की भी नेक्स्ट सेशन में। बेसिकली अभी सिर्फ R1 ने अपने डेस्टिनेशन नेटवर्क को देखा और किसको दे दिया? R2 को। R2 के पास ट्रैफिक आया, R2 ने लैन साइड सर्वर को दिया। अब जो ये जो डेटा ट्रैफिक यूजर से जनरेट हुआ है, दैट मीन्स कि मैं कौन सा प्लेन यूज कर रहा हूँ? राउटर क्या बोला है, कौन से प्लेन को यूज हो रहा है ट्रैफिक को फॉरवर्ड करने के लिए? डेटा प्लेन को। क्लियर है? तो राउटर का अपना खुद का एक कंट्रोल प्लेन, डेटा प्लेन, मैनेजमेंट प्लेन हो गया, स्विच का भी, मल्टीलेयर स्विच, फायरवॉल, एक्सेस पॉइंट, सभी डिवाइसेस का। यही इशू आ रहा था ट्रेडिशनल राउटिंग में, अगर कोई भी एक साइट इनेबल होती है तो हमें मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशंस को क्या करना पड़ेगा? मैनुअल। तो हमारी ट्रेडिशनल राउटिंग में इश्यूज क्या आ रहे थे? TR लिख दिया मैंने यहाँ पे, ट्रेडिशनल राउटिंग इश्यूज। तो पहला आ रहा था हमें मैनुअली कॉन्फ़िगरेशन करनी है सभी डिवाइसेस पे। मैंने अभी सभी डिवाइसेस के बारे में बताया, लेयर 3 पे क्या करना है, लेयर 2 पे, मल्टी लेयर पे। देन सेकेंड इशू क्या आया? सेकेंड इशू ये क्या हो सकता है, आपका एक टाइम टेकिंग प्रोसेस हो सकता है। क्या हो सकता है? टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि अगर कोई भी एक साइट इनेबल होती है आपके पास तो आपको पहले लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन में पूरी की पूरी मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी सभी डिवाइसेस पे मैनुअली जाके। देन थर्ड इशू क्या आ सकता है आपको, कई बार ह्यूमन एरर्स आ सकते हैं। जैसे आपको साइट वन को अपने गुड़गांव साइट से कनेक्ट करना था तो BGP की नेबरशिप बनानी थी EBGP नेबरशिप। कई बार आप मिस्टेक कर सकते हो, मिस कॉन्फ़िगरेशन, तो वहां पे आपको ह्यूमन एरर्स मिल सकते हैं। तो इन सभी को बचाने के लिए आपके पास कुछ मेथड है, जैसे आप यूज कर सकते हो यहाँ पे SDN सॉल्यूशन में क्या होता है, बेसिकली SDN सॉल्यूशन 3 पार्ट में डिवाइड करा गया है, A, B and then C। 3 पार्ट कौन कौन से? अब बेसिकली जब भी SDN सॉल्यूशन को यूज करना है, सिस्को डिवाइसेस हो या नॉन सिस्को डिवाइसेस हो, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर आपको जो सबसे पहला सॉल्यूशन मिला था उसका नाम था SD-WAN सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन था? SD-WAN सॉल्यूशन। क्लियर? देन हमारे पास कौन सा सॉल्यूशन आया? SD-Access। कौन सा आया? SD-Access। देन हमारे पास थर्ड सॉल्यूशन भी आया, SD-WAN, SD-Access के बाद हमारे पास एक और सॉल्यूशन था। इसमें क्या आया था? DC इंफ्रा के लिए आया था, हमारे डेटा सेंटर्स के लिए। किसके लिए आया था? आप बोल सकते हो इसको
ACI का कॉन्सेप्ट होता है, ये DC के लिए चलता है, डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। अब जो SD-WAN का सॉल्यूशन था, इसके अंदर आपके पास कौन कौन से डिवाइसेस यूज करते थे? हम यूज करते थे यहाँ पर DNA। कौन सा डिवाइस था? DNA। बेसिकली यहाँ पर SD-WAN में नहीं, SD एक्सेस में यूज करते हैं हम DNA। SD-WAN में हम यूज करते हैं विप्टीला डिवाइस। कौन से डिवाइसेस? विप्टीला डिवाइसेस। आपके पास सिस्को डिवाइसेस भी होते हैं, ये दो डिफरेंट वेंडर है, ये वेंडर्स हैं आपके जिन्होंने सॉल्यूशन प्रोवाइड करा, एक विप्टीला और एक सिस्को। क्लियर है? अब ये दोनों मर्ज है, दोनों एक ही ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रहे हैं। क्लियर है? देन हमारे पास जो DC इंफ्रा आया था, DC इंफ्रा में हम यूज करते थे, सॉल्यूशन हमारे पास आया था ACI का, तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ACI के सॉल्यूशन को यूज करते थे आप लोग। तो जो हम बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे SD-WAN कंट्रोलर्स। SD-WAN कंट्रोलर्स की बात करेंगे। अब बेसिकली कंट्रोलर्स में हम किस किस की बात करने वाले हैं? सो फर्स्ट, जो हमारे सॉल्यूशन को यूज करने के लिए, हमें सॉल्यूशन यूज करने के लिए फर्स्ट जो कंट्रोलर था वो हमारे पास था VManage। देन हमारे पास सेकंड डिवाइस कौन सा था जो कंट्रोलर था? VSmart। देन थर्ड डिवाइस हमारे पास आया था VBound। कौन कौन से कंट्रोलर यूज करेंगे? वी मैनेज, वी स्मार्ट, वी बाउंड। एक डिवाइस और होता है हमारे पास, इसको बोलते हैं वी एज, एंड देन आप उसके लिए एक और यूज कर सकते हैं सी एज। अब वी एज और सी एज में क्या हो सकता है? ये अब बेसिकली वी क्या बोल रहा है, वी किस लिए लगाया गया है? ये सारे के सारे कौन से डिवाइसेस थे आपके? ये सारे के सारे कौन से डिवाइस है आपके? विप्टेला डिवाइसेस थे। और देन जो सी एज वाले डिवाइसेस है, सी एज का मतलब ये सिस्को डिवाइसेस को आप यूज करें। क्लियर है? देन हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ये सिस्को नेक्स्ट डिवाइस की बात करेंगे, इनकी डिप्लॉयमेंट सीखेंगे, प्लेन्स क्या क्या होते हैं। बेसिकली आपको ओवरव्यू बता देता हूँ, जो वी मैनेजर, ये आपके मैनेजमेंट प्लेन पे वर्क करता है, सारा का सारा जितने भी प्रोसेस है कॉन्फ़िगरेशन का, जो आप CLI के थ्रू भी कर सकते हैं मैनेजमेंट डिवाइस को, CLI या GUI। बेसिकली क्या होता था, अभी मुझे सभी डिवाइसेस पे सेपरेटली जाना पड़ता था मैनुअली, अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इस डिवाइस की हेल्प से, वी मैनेज की हेल्प से सेंट्रलाइज सर्वर की तरह यूज कर सकता हूँ इसको। कैसे? सेंट्रलाइज सर्वर की तरह, और सभी डिवाइसेस पे कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर सकता हूँ? पुश। वी स्मार्ट किस लिए यूज होता था? वी स्मार्ट यूज होता है आपके कंट्रोल प्लेन के लिए। कंट्रोल प्लेन मींस कि वी स्मार्ट का सिर्फ प्रोसेस क्या है? अपडेट्स, अपडेट्स को एक्सचेंज कराना। क्लियर है? देन वी बाउंड क्या था? ये ऑथेंटिकेशन को वेरीफाई करता था। किसके लिए होता था? ऑथेंटिकेशन के लिए। फर्स्ट ऑथेंटिकेशन पॉइंट होता था, पहले जब भी साइट इनेबल होगी तो ये डिवाइस उसको ऑथेंटिकेट करेगा, देन वो किससे कनेक्ट होगी? आपके हेड ऑफिस से। देन वी एज और सी एज आपके डेटा प्लेन के लिए यूज होते हैं। इसके लिए डेटा प्लेन के लिए। तो सबसे पहले आपको ट्रेडिशनल राउटिंग में मैंने इश्यूज बताए कौन कौन से आते थे। मोस्टली जो कॉमन इशू आते थे हमारे पास, तीन इशू आते थे। क्लियर है? देन हमने बात करी अपने SD-WAN सॉल्यूशन में, जब भी कोई साइट इनेबल होगी, साइट को इनेबल करने के लिए पहले Layer 3 डिवाइस पे कॉन्फ़िगरेशन करनी है, देन Layer 2 पे, देन मल्टी लेयर स्विचेस। इन सभी स्विचेस पे हमें क्या करना पड़ेगा? इस साइट के इंफॉर्मेशन को ऐड करना पड़ेगा, तब जाके ये आपके साइट के सभी यूजर्स क्या कर सकते हैं? VM पे डिप्लॉय सभी एप्लीकेशन को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। देन हमने बात करी थी इंटरनेटवर्किंग डिवाइसेस की। इंटरनेटवर्किंग डिवाइस में मैंने क्या बात करी कि आपके पास कौन कौन से डिवाइस होते थे? राउटर, स्विच, मल्टी लेयर स्विच, फायरवॉल, एक्सेस पॉइंट एक्सेट्रा, मल्टीपल डिवाइसेस होते हैं। बेसिकली अगर मुझे किसी डिवाइस को कॉन्फिगर करना है तो मैं कैसे कॉन्फिगर कर सकता हूँ? वाया कंसोल केबल। तो मैं क्या करता था, अपने PC या लैपटॉप को डिवाइस के कंसोल पोर्ट से लगाता था, और कौन सी केबल यूज करता था उसको कनेक्ट करने के लिए? रोल ओवर केबल। कौन सी केबल थी? रोल ओवर केबल।
रोल ओवर केबल यूज करते थे, रोल ओवर केबल एक्सेस कराती थी आपके डिवाइस को सीएलआई मोड में, इस मोड में सीएलआई मोड में, बट सिर्फ मैं किस डिवाइस को यूज कर सकता हूँ, सिंगल डिवाइस को एक्सेस, इस डिवाइस को एक्सेस करके मैंने कॉन्फिगर करा, देन मैंने इसको कहाँ पे डिप्लॉय कर दिया, अपने करंट डोमेन में, डोमेन में जैसे ही प्लग इन करवाया इस डिवाइस को R1 को R2 से, देन इस डिवाइस पे क्या इनेबल करा, राउटिंग प्रोटोकॉल, राउटिंग प्रोटोकॉल ने अपनी अपडेट्स एक्सचेंज करी, यस और नो, देन R1 के पास R2 के लेंथ साइड वेन साइड की इन्फॉर्मेशन आ गई, R2 के पास लेंथ साइड और वेन साइड की इन्फॉर्मेशन आ गई, देन R1 ने क्या करा, जब ये अपडेट्स को एक्सचेंज करा था तो कौन से प्लेन को यूज करा था, कंट्रोल प्लेन, और जब डिवाइस को आपने कंसोल कंसोल पोर्ट पे रोल ओवर केबल लगा के मैनेज करने थे, क्या कर रहे थे, मैनेज यानी कॉन्फ़िगरेशन करी, तो आपने कौन सा प्लेन यूज करा, मैनेजमेंट प्लेन, और जब यूजर ने ट्रैफिक भेजा था राउटर ने कुछ टेबल्स मेंटेन कर रखी होती है RIB और FIB, उसके बारे में बात करेंगे, RIB और FIB टेबल्स की हेल्प से डेटा ट्रैफिक को क्या करा, मूव करा R1 से R2 पे, देन R1 ने क्या बोला, अब कौन सा प्लेन यूज हो रहा है, जब यूजर का डेटा ट्रैफिक जा रहा है, डेटा प्लेन, तो इन तीन प्लेन पे पहले हम बात करेंगे डिस्कशन, देन हम बात करेंगे SD-WAN कंट्रोलर्स की, SD-WAN कंट्रोलर्स कौन कौन से बताए मैंने आपको, वी मैनेज, वी स्मार्ट, वी बाउंड, वी एज और CH, बेसिकली ये कंट्रोलर किसने प्रोवाइड करे थे, दो वेंडर थे, सिस्को और वेबटीला, क्लियर है, अब बेसिकली ये जो कंट्रोलर्स थे कैसे आए थे आपके SDN सॉल्यूशन में मिले थे, SDN सॉल्यूशन में हमें तीन टाइप के सॉल्यूशन मिले थे, एक होता है SD-WAN सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क, एक होता है SD-Access सॉफ्टवेयर डिफाइंड एक्सेस करने के लिए हमारे पास एक DNA डिवाइस होता है, ये फिजिकली आपको मिलेगा, फिजिकली आप इससे क्या कर सकते हो, सेंट्रलाइज बैठ के सभी सभी कंट्रोलर्स को भी मैनेज कर सकते हो, क्लियर है, बेसिकली वी मैनेज मैनेज करता था वी स्मार्ट, वी बाउंड और VH को SD-WAN सॉल्यूशन में, अगर आप SD-Access सॉल्यूशन यूज करते हो तो DNA जो DNA डिवाइस था आपका, जो फिजिकली डिवाइस मिलता है, वो सभी कंट्रोलर्स को क्या कर सकता है, मैनेज, देन हमारे पास डेटा सेंटर, जब भी आप डेटा सेंटर्स को डिप्लॉयमेंट करोगे तो ACI की यूज कर सकते हो, ACI हेल्प करेगा, तो SD-WAN सॉल्यूशन में हम अभी जो बात करेंगे बेसिकली SD-WAN पे बात करेंगे, SD-WAN सॉल्यूशन हमें पढ़ना है, क्लियर है, SD-WAN सॉल्यूशन पढ़ने के लिए रिक्वायरमेंट सिर्फ आपको राउटिंग स्विचिंग आनी चाहिए, बेसिकली राउटिंग स्विचिंग की नॉलेज होनी चाहिए CCNP लेवल की, देन हम स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम बात करने वाले हैं SD-WAN सॉल्यूशन के, कौन सी SD-WAN सॉल्यूशन, SD-WAN सॉल्यूशन में हम बात करेंगे कंट्रोलर्स, वेबटीला और सिस्को वाले, सिर्फ कंट्रोलर्स की बात करेंगे, देन कंट्रोलर्स के बाद हम बात करेंगे प्लेन्स, कंट्रोल प्लेन क्या होता है, डेटा प्लेन क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है, राउटर पे RIB कैसे मेंटेन होती है, FIB कैसे मेंटेन होती है, राउटिंग टेबल के बारे में बात करेंगे, क्लियर है, सो होपफुली आपको थोड़ा सा बेसिक एक आइडिया मिल गया है, जब भी ट्रेडिशनल राउटिंग की बात आती है तो ट्रेडिशनल राउटिंग में हमें लिमिटेशन जो मिल रही थी, हमने बेसिकली तीन ही लिमिटेशन लिखी है जो हो रहे थे, हमें क्या करना था, पहले सबसे पहले मैनुअली सभी डिवाइसेस पे आके कॉन्फ़िगर करना है, इस प्रोसेस को करने में पूरी एक साइट को इनेबल करने में आपको सारा टाइम लगने वाला है, देन अगर कोई मिस कॉन्फ़िगरेशन होते हैं ह्यूमन एरर आ सकते हैं, ये सुनो, क्लियर है, तो हम बात कर लेंगे ट्रेडिशनल लिमिटेशन की हो गई है, देन हम बात करनी है नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे SD-WAN कंट्रोलर्स, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में, क्लियर है गाइस, चलिए।